हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास ट्वेल्थ के, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ आपसे यह है कि ये 3 घंटे में आपको 20 से 25 नंबर दिला देंगे। तमीज से इनको पढ़ लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, पानी चाय कॉफी जो भी पीना है, ठंडा ठंडा सब लेके बैठना, ठीक है। देखो यार, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ सबसे पहले ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या पढ़ के एग्जाम में जाए। सबसे बड़ी बात ये जो है, ये आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करेगा, कम नहीं बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, आपके नंबर बढ़ाने ही वाले हैं 3 घंटे की क्लास। इसको यकीन ना आए तो बच्चे आप लोग क्या करके देख सकते हो, ये क्लास करने के बाद अगर आपके प्रीबोर्ड हो चुके हैं तो प्रीबोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठाना और सीधा बोलना, क्वेश्चन पेपर उठा के चेक करना कि भैया क्या ये क्वेश्चन मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो भैया इसका क्या मतलब है कि भाई मैं सही बोल रहा हूं और आप पढ़िए और आपके काम की चीज है। और अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप एक और, अगर प्रीबोर्ड हो चुका है तो एक और तरीका आपके पास चेक करने का कि उन टॉपिक्स को करने के बाद, उन टॉपिक को करने के बाद जैसे प्रीबोर्ड हो चुके हैं, आपके पास प्रीबोर्ड नहीं बचे, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना। रैंडमली बोल रहा हूं, किसी भी साल का बोर्ड के एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना और बोलना मुझे और खुद करके देखना, कहना अरे सर ये क्वेश्चन तो पेपर में आ रखा है। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, लॉजिक चेंज नहीं होगा, उसके पीछे भागना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट और लॉजिक के पीछे भागोगे, आंसर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताना क्या है, ये मतलब आपको ऑलरेडी पता है, हार्दिक शुभकामनाएं स्टडी खजाना और पुनीत डोगरा की तरफ से। और आगे मैं जो इस पर बात करना चाहूंगा वो इस बारे में बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पढ़ के क्या जाए बोर्ड्स में, क्या नहीं जाए, पढ़ के तो पूरा जाना है लेकिन क्या छोड़ के नहीं आना है। जैसे कि सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठे तो हर बच्चों का सवाल यह है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रहा हूं जो पढ़ सकते हैं और उसके बाद कुछ 25 नंबर के डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। जैसे कि चैप्टर 1 में जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन है, देखिए फर्स्ट बुक जो आपकी है वो मैं आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली 44 मार्क्स की आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत दो चार मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब 42 की भी हो सकती है और 46 की भी हो सकती है, उससे ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है हर बार। चैप्टर 1 में जैसे कि मैंने बोला रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए इसमें जनरली अब 1-6 नंबर का क्वेश्चन आने लग गया, ठीक है। तो इसमें देखिए इनवर्स टॉपिक को मत छोड़िए, ठीक है। इनवर्स आता है ना, एफ इनवर्स निकालना, वो पेपर में आ सकता है भाई, ठीक है। एक बाइनरी फंक्शन जो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला। भैया देखो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है, बट आज हम इसे नहीं कर रहे। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखिए 4 नंबर का चैप्टर है, उसे अगर आपको 4 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो सबसे आसान है, लेकिन रियालिटी यह है कि उसमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है आपको, उसके लिए और कोई चॉइस नहीं है। हाँ, आप मेरा असाइनमेंट कर सकते हैं, जो बच्चों ने स्टडी का जाना पे एनरोल कर रखा है, क्लासेस ले रखे हैं, वो मेरा असाइनमेंट कर रहे होंगे। असाइनमेंट के अंदर जो 10 ईयर वाला मैंने असाइनमेंट, देखिए मैंने 2 तरीके से असाइनमेंट को बांटा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, ये एक है, और उसी के अंदर मैंने एक और असाइनमेंट डाला हुआ 10 ईयर करके। तो 10 ईयर वाला जो पार्ट है वो जरूर करके जाए उसके अंदर। चैप्टर 3 मैट्रिसेस के अंदर आपको इनवर्स वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जिसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन से किया जाता है वो वाला। चैप्टर 4 में कंफर्म आना है सर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये पेपर में 110% बचा पड़ा हुआ है। अब आप बताओ, मैंने तो पेपर ही लीक कर दिया, ऐसा कह लो भाई, अगर मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पक्का आना है पेपर में, पेपर लीक हो गया, 100% आना है भाई। 10 क्वेश्चन आराम से करो, मतलब इसके 10 से 12 क्वेश्चन अगर तमीज से पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कंप्लीट होगा, फिर दिक्कत नहीं आने वाली, ये 100% मेरे भाई पेपर में आएगा, ठीक है। बट जैसे कि एडजॉइंट वाले जो ए इनवर्स वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लेकिन 1, 2, 3 ये जो 3 टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो 3 टॉपिक है हमारे, इसकी बात करूंगा, ये 1, 2, 3 ये जो 3 टॉपिक है, इनमें से एक टॉपिक 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे कहानी समझते हैं, आगे कहानी क्या है, आगे कहानी ये है, चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन को भी पढ़ने के लिए आप 10 ईयर वाला असाइनमेंट जो मेरे वाला है, जैसा कि मैंने चैप्टर 2 में बताया, वो पूरा कर लीजिए, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि ये चीज आएगी आएगी,
ठीक है, बट आ सकते हैं, जैसे लिमिट और कंटिन्यूटी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, दो मार्क्स में भी आ सकता है, चार में भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते कि कितने में आएगा। ठीक है, चैप्टर फाइव में नॉट श्योर बट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सिक्स में जो आज मैं कराने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो 100% आपके पेपर में आएगा, यानी फिर से कह लीजिए कि आपका पेपर लीक हो गया, मैंने टॉपिक बता दिया, मैक्सिमा और मिनिमा से एक क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स का आने ही वाला है। आज ही हम सबसे पहला टॉपिक इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चैप्टर सेवन बोले तो इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पार्शियल फ्रैक्शन जो टॉपिक है, सर इससे एक क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का 100% आएगा, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे एक क्वेश्चन 100% आएगा। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत ही लाजवाब हुई तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ जाएंगे, और किस्मत खराब हुई तो ये क्वेश्चन और में आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर किस्मत थोड़ी खराब हुई तो और में आ जाएगा, क्योंकि अपने को दोनों क्वेश्चन आते होंगे तो अपन कहेंगे यार दोनों आते थे, काश दोनों कर पाते। बट कुछ बच्चे अपने आपको इंटेलिजेंट समझ के ये सोचते हैं कि भैया ये वाला कर देते हैं पहले और 4-5 क्वेश्चन करने के बाद और वाला ये भी कर देंगे, तो गलत फहमी में जीरो मेरे भाई। बोर्ड का जो एग्जामिनर बैठा है ना, उसके पास बहुत दिमाग है, वो सीट के आगे मार्क्स जोड़ता है तो पता लग जाता है, फिर उसके पास पूरा राइट है कि दोनों क्वेश्चन को काट दे, उसके पास है वो राइट, डिपेंड करता है टीचर काटता है या नहीं काटता। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है लिमिट ऑफ अ सम। देखिए लिमिट ऑफ अ सम लास्ट टाइम भी आपको मैं बता दूं 6 मार्क्स का पेपर में आया था, ये टॉपिक आज हम क्लास में करने वाले हैं, मतलब दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा। चैप्टर सिक्स में बता दिया मैंने मैक्सिमम मिनिमा के 10 क्वेश्चन, इसके मैं अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर एट बोले तो AOI, कहां से आई कब आई पता नहीं, बट AOI, ठीक है, AO के आ गई, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। भैया इसके अंदर मैंने अपने जो मैंने फेस टू फेस क्लास लिया उसमें भी, और जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाले हैं स्टडी खजाना पर, उसमें भी मैंने आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन टोटल कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बोला है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई डिस्कस करने में। 13 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा 100%। ठीक है, चैप्टर नंबर नाइन बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टॉपिक बहुत ही लाजवाब है, होमोजीनियस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। भैया मेरे दोनों फेवरेट है, मैं क्लियर बताऊं, इन दोनों में से किस्मत गजब रही तो दोनों क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, और किस्मत खराब रही तो चॉइस में आएगा एक क्वेश्चन, लेकिन यह बता दूं मिनिमम 4 से 6 नंबर का, और आज मैं इनके मैक्सिमम 8 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा, और इसको करते ही हमारा ये 4 से 6 नंबर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा इस 8 क्वेश्चंस को करने के बाद। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। मेरे भाई वेक्टर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अनिश्चितताएं वेक्टर में, कि वेक्टर में यार कुछ भी आ जाता है, ऐसा एज सच कह नहीं सकते कि ये फिक्स है, प्रॉपर है, फिक्स नहीं है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। बट चैप्टर 11 बोले तो प्लेन, 3D का जो प्लेन का टॉपिक है, सर 110% गारंटी है कि प्लेन कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। इसमें मैंने स्टडी खजाना पर ऑनलाइन क्लासेस जो डाली हैं उसके अंदर मैंने 7 क्वेश्चन टोटल कराए हैं, 7 या 8 क्वेश्चन है, 7 या 8 ही, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट सर उन 7 या 8 में से एक क्वेश्चन 100% 6 मार्क्स का पेपर में आएगा, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं। क्यों आएगा? क्योंकि अगर यकीन ना आए तो आप अपने प्री बोर्ड देख सकते हो, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, 1 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का, 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का, 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का, उसके बाद आपका है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकालने का, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके बाद है इमेज ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इन सब पे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, देखिए हर टीचर का अपना कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चैप्टर फेवरेट होता है, और उनको लगता है कि उनसे अच्छा वो कोई नहीं पढ़ा सकता, तो मैं बोलता हूं सर 3D के अंदर चैलेंज है, इससे अच्छा कोई, मेरे से अच्छा 3D कोई नहीं पढ़ा सकता। हालांकि बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं, जो मेरे फेस टू फेस वाले बच्चे भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, वो भी बोलेंगे यस सर 3D जो है वो हमें क्लास में सबसे आसान लगता है, चाहे पूरी क्लास उसको मुश्किल बोलती रहे, क्योंकि मैंने उसका कॉन्सेप्ट और मैंने उसको जो बना रखा है ना जिस वे में, वो बहुत ही गजब तरीके से बनाया। इवन मैंने अपना जो फर्स्ट डेमो आज तक ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को पढ़ाते हुए 3 साल से ऊपर हो गया है, फर्स्ट डेमो भी जो मैंने डाला था वो मैंने 3D का डाला था, और 3D सबसे मुश्किल टॉपिक कहते हैं बंदे, बट मैं बता रहा हूं सबसे आसान लगता है मुझे,
और मैं इसीलिए बच्चों को आसान तरीके से करा पाता हूं। चलिए 3D का यहां पे खत्म हो गया, आगे चलते हैं, बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन की। सर ये देखिए, ये पहले आता था 6 नंबर का, अब थोड़ा बहुत इसके अंदर डेंट पेंट करके ना दो दो नंबर के दो क्वेश्चन कर दिए, और मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकता, दो दो के दो भी आ सकते हैं और 6 का एक भी आ सकता है। दो दो के दो में क्या आता है, जनरली एक में इक्वेशन बनाना आ जाता है और एक में ग्राफ ड्रॉ करना आ जाता है, ठीक है। और 6 नंबर में तो यार पूरा ही आएगा, ऑब्वियस है ना। एलपीपी के बाद मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम 100% एक क्वेश्चन कंडक्ट करता है अपना, इस पे भी आज हम चौथा टॉपिक ये करने वाले हैं और इसके बाद अपना सारा काम खत्म, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आज हम क्या करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 12th के बता दिया, क्या क्या आप बिल्कुल भी किसी भी सूरत में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, आधा पेपर लीक कर दिया देख लो भाई मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कहानी को। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहला टॉपिक आज मैं आपको कराऊंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। किसकी मां, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्स की मां और मिनी की मां, ठीक है। ये दोनों हम करने वाले हैं, दोनों ही वेल एंड गुड टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कुछ चीजों को समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, चेन रूल, बस ये तीन चीजें अगर आपको तमीज से आती हैं तो 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम कराऊंगा, 10 से 12 तक जाएंगे हद से हद, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना मैक्सिमम मिनिमम में, घर जाके चद्दर डाल के सो जाओ अपने ऊपर, जरूरत नहीं पड़ेगी मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ने की, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से मेरे शेरों, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए तीन चीजों का खास ध्यान रखना, वेल एंड गुड ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन चीज है वो। पहला है गिवन, एक चीज ना गिवन होगी, कुछ भी अपने को नहीं पता, ढूंढ के निकालेंगे क्या गिवन होगी, कहां से निकालना है ढूंढ के खुद निकालना है तुम्हें वो। दूसरी चीज होगी टू प्रूफ या टू फाइंड, मतलब आपको टू प्रूफ या टू फाइंड का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। देखो टू प्रूफ होता है कि प्रूफ कर दो रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइट या सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स द ये वो, मतलब इस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है, जो प्रूफ करने में आता है, प्रूफ दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है, या प्रूफ करने को आता है प्रूफ दैट सिलेंडर के जो हाइट है वो डबल ऑफ द रेडियस है डायमीटर के बराबर, मतलब ऐसे इस तरीके की चीजें आएंगी। प्रूफ दैट एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, टैन इनवर्स √2, इस तरीके की चीजें आएंगी, उसको मैं बोलूंगा टू प्रूफ या टू फाइंड। टू फाइंड क्यों, क्योंकि कई बार आ जाएगा कि भाई फाइंड करो वॉल्यूम कितना है, ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। और तीसरी चीज आती है मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करना, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई, मैक्सिमा प्रूफ करना आएगा या मिनिमा प्रूफ करना आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, इसमें थोड़ा पेन का थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, यस, मैक्सिमा और मिनिमा, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन सबसे बड़ा टारगेट, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास सबसे बड़ा टारगेट और सबसे बड़ा इशू क्या क्रिएट होकर आता है मेरे भाई, सबसे बड़ा टारगेट और इश्यू ये क्रिएट होकर आता है कि सर क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। अरे मेरे भाई, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है यहां से, जो चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करनी है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करनी है क्वेश्चन वहीं से शुरू होगा, क्लियर है ये बात। जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करनी है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, जैसे कि उसने बोला प्रूफ दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज एट दिस दूस दैट दूट जो मर्जी, तो भैया क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि वॉल्यूम से, भैया वॉल्यूम इज इक्वल टू बकवास बकवास बकवास, वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, बात खत्म, यानी स्टार्टिंग पता लग गई अपने को कहां से शुरू करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये जो गिवन लिखा है ना, ये ऐसे ही तुम्हारा काटने के लिए नहीं लिखा, मतलब बेवकूफ काटने के लिए नहीं लिखा है, बेवकूफ वो तुम समझ रहे हो किस बारे में बात हो रही है, ये गिवन का मतलब है इस गिवन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर, जो चीज आपको प्रूव करनी होगी, जो वॉल्यूम के बारे में बात करनी होगी उसके बारे में, समझ गए मेरी बात, ठीक है ना, ये उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री, जब गिवन का इस्तेमाल इधर हो जाए तो यह ध्यान रखना आपका वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल मात्र एक होना चाहिए, दो वेरिएबल होंगे तो मत करना आगे क्वेश्चन, इसका मतलब कहीं मिस्टेक कर रहे हो ढूंढो कहां है मिस्टेक, और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना मेरे भाई कि कहां मिस्टेक करते हो तुम लोग, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं जरा हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बट इसको कैटेगरी में नहीं लोगे 10 से 12 क्वेश्चन की, ये सिर्फ आपके ये तीन चीजें क्लियर करने की है कि गिवन टू फाइंड टू प्रूफ को कैसे करना है, बट इस क्वेश्चन को इन
मतलब वो जो 10 से 12 क्वेश्चन बोले उस कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं करोगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं कहीं बाहर से नहीं लेकर आया, कहीं सोचो पाकिस्तान से उठा के ले आऊं, नहीं, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो यही होंगे जो आपके या तो एनसीईआरटी के अंदर होंगे या फिर आपके कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर 10 से 12 क्वेश्चन कौन से वाले कराने वाले, ठीक है। तो मेरे भाई सुनिए जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट ये 10 से 12 की कैटेगरी में नहीं आता है। प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन पढ़ लिया है सभी बच्चों ने, आंसर पर टारगेट करेंगे। ये देखिए, प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल, मतलब जितने भी रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। खाली क्वेश्चन लिखा है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन छोड़ना है, अपनी स्क्रीन पर ध्यान देना है, चाहे फोन में देख रहे हो फोन की, लैपटॉप में देख रहे हो लैपटॉप की, कंप्यूटर में देख रहे हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ध्यान देना है। ये देखिए, दिस इज योर सर्कल जो मिट गया, दिस इज योर सर्कल। उसने बोला ऑल रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल सर्कल के अंदर बनाए जाए, ठीक है भाई, जैसा ये बोलते हैं हमने बना दी, इनकी बात मान ली, जितने भी रेक्टेंगल आप बना लो, द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। पहले इस क्वेश्चन की तह तक जाते हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं पूरी, मतलब आप जितने मन करे ना आपका एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर जितने रेक्टेंगल बनाना चाहो ऐसे, ठीक है, जितनी मर्जी डायमेंशन की, थोड़ा बड़े वाला, ठीक है, और बड़े वाला, ठीक है, और बड़ा, इस तरीके से जितना मर्जी बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इन सभी में से सबसे बड़ा एरिया जो होगा ना, सबसे बड़ा एरिया जो घेरा हुआ होगा ना, वो स्क्वायर ने घेरा होगा, रेक्टेंगल ने नहीं घेरा होगा। ये क्वेश्चन है, दोबारा समझे, दोबारा इन्वेस्टिगेट करें भैया, जितने मर्जी रेक्टेंगल्स बना लो, जितने मन करे उतने एक सर्कल के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा जो एरिया घेरा होगा ना हर रेक्टेंगल में, वो स्क्वायर नहीं घेरा होगा। जब स्क्वायर बन रहा होगा तभी सबसे बड़ा एरिया मिल रहा होगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा होगा। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज बात? अच्छा मेरे लाल, बात सुनेंगे जरा ध्यान से और भी ज्यादा। अब आते हैं, हम टारगेट करते हैं तीन चीजों पे कि भैया जिस पे सर इतना जोर दे रहे थे, गिवन टू फाइंड या टू प्रूव, और तीसरी चीज मैक्सिमा और मिनिमा जो भी था वो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले आप खुद कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। उसने बोला प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल है प्रूव करना है, जितने भी रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, यानी गिवन है सर्कल। और मेरे भाई सर्कल कभी भी गिवन नहीं होता है, सर्कल की डायमेंशन गिवन होती है, और सर्कल में आज की डेट में एक ही डायमेंशन होती है, और वो है उसका रेडियस, यानी गिवन है आपको रेडियस। यानी जब भी आपको बोलेगा गिवन रेडियस या स्फीयर, तो हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे, मात्र रेडियस का। क्लियर है बात? अच्छा, टू प्रूव, भैया जितने भी रेक्टेंगल आप इस सर्कल के अंदर बना दो जो कि फिक्स्ड डायमेंशन का है, स्क्वायर सबसे ज्यादा एरिया घेर रहा होगा, यानी रेक्टेंगल को प्रूव करना है स्क्वायर है। यू हैव टू प्रूव रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। बात क्लियर हुई? बोले तो लेंथ बराबर ब्रेथ रेक्टेंगल में अभी है नहीं, अपने को प्रूव करना है ऐसा। मैक्सिमा हैज मैक्सिमम एरिया, हैज किसके लिए यूज हो रहा है ये देखो, प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं वो स्क्वायर होते हैं, मतलब जो मैक्सिमम एरिया घेरते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो अपने को प्रूव करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, लेकिन पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप रेक्टेंगल को प्रूव करेंगे स्क्वायर, देन आप करेंगे इसको मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव करना होता है, सिंगल डेरिवेटिव जीरो पुट करना होता है। बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है स्टेप्स की, मैं यहां करा रहा हूं, ध्यान दे लेना, बात खत्म। स्टेप्स में अलग से नहीं लिखवा रहा, लिखवाने वाला, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि लिखवाने में प्रॉब्लम है कोई नहीं, बट ऐसा है कि अभी हम कर रहे हैं रिविजन, तो कोशिश करेंगे कम टाइम में ज्यादा काम हो, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, यहां पर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने आपको बोला था क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से होगी, भैया मैक्सिमाइज किसे करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक काम करते हैं, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ,
एंड दिस वन इज योर रेडियस, अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होगा एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ से, क्लियर है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मैं मान गया उनकी बात जैसा उन्होंने बोला। अब भैया मैंने बोला था ये जो गिवन है ना, ये टाइम पास के लिए नहीं दिया हुआ, इसका इस्तेमाल यहां करना है, यानी ये जो रेडियस है ना आर, इसका इस्तेमाल यहां पे करना ही करना है। यानी मुझे दिमाग क्या लगाना है, मुझे इस आर को, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, हवा में तीर नहीं मारे कोई सा भी, इस आर को यहां पर लाना ही लाना है इधर, ठीक है? अब आर एल और बी का मैं लिंक ढूंढूंगा, कोई रिलेशन है इनके आपस में, यस इनका रिलेशन बन रहा है, इनका रिलेशन भाई बहन का रिलेशन मान लेते हैं, ये भी रेडियस हो गया, ठीक है? ये भी रेडियस हो गया। मैंने बोला 2r का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भाई साहब के अकॉर्डिंग, भाई 2r का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई? तो अगर आप निकालें वैल्यू l स्क्वायर इज इक्वल टू, आप किसी की भी निकाल सकते हो, 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको टीचर ने सिखाया होता है यहां स्क्वायरिंग कर दो, देखो ऐसा कुछ नहीं है, एल इज इक्वल टू रूट लेकर यहां पुट कर दो, मर्जी आपकी है, ठीक है? चाहे तो एल का रूट लेकर यहां पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्क्वेयरिंग करके कर दो, चॉइस इज योर। स्क्वेयरिंग से सिर्फ कैलकुलेशन आसान होती है और कुछ नहीं है। मैंने कह दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब टीचर ने आपके सिखाया था, मैंने भी वही सिखाया, बट उन्होंने भी गलत नहीं बताया, मैंने भी गलत नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब यह है, बिना स्क्वेयर करे आप अगर यहां से एल की वैल्यू निकालो ना, रूट अंडर ये, और यहां पे पुट कर दो और उसके बाद भी डेरिवेटिव कर दो, तो गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और सेकंड थिंग आप ये भी कर सकते हो, स्क्वेयरिंग करने से, एल स्क्वेयर करने से रूट का इस्तेमाल यहां नहीं होगा, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी, आसान हो जाएगी। तो स्क्वेयरिंग करा अपन ने, ए स्क्वेयर बराबर एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अपन ने वैल्यू डाली, ए स्क्वेयर बराबर एल की वैल्यू डाल दी 4r स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था गिवन का यूज यहां करना है, आपने यूज कर लिया, उसके बाद मैंने बोला था वेरिएबल आपका मात्र एक ही बचना चाहिए। तमीज से देखते हैं कितने वेरिएबल बच रहे हैं, बच्चे यहां तो वेरिएबल आर और बी दो दो वेरिएबल बच रहे हैं, हा गलत। आर इज रेडियस विच इज गिवन, और जो भी चीज गिवन होती है ना वो कॉन्स्टेंट होती है, गिवन फिक्स्ड सर्कल, फिक्स्ड सर्कल बोला था यानी वो फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, दैट इज फिक्स, वो रेडियस आपका फिक्स है, आर है, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है? तो यानी आर इज कॉन्स्टेंट, बी इज वेरिएबल, ठीक है? इसको आपने m मान लिया, डेरिवेटिव करने में आसानी होगी और कुछ नहीं है, इसलिए कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि माने आप। अब इसका डिफरेंशिएशन आप r के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्यों? r इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट लाइक 2, 3, 4 इस तरीके की टर्म होगी, तो क्या कभी आपने 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 2 डेरिवेटिव करा? नहीं, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, बिकॉज x को हम वेरिएबल मानते हैं। तो यहां पे b हमारा वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है ना? 4r स्क्वायर कांस्टेंट ले लिया, b का हो गया 2b माइनस 4b क्यूब, क्लियर है? इसको डाल देंगे 0 के बराबर, ठीक है? 0 के बराबर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल रहे होते हैं कि ना तो मैक्सिमा हुआ ना मिनिमा हुआ, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? अब देखो मैं कहूंगा 4b क्यूब इज इक्वल टू 8r स्क्वायर b, 4 एकम 4 दूने, ठीक है? b से गया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो मेरे लाल b कितना हो गया, रूट 2r हो गया। चलो ठीक है भाई, हमें ये चीज मिल गई, b की वैल्यू रूट 2r है, बट आपको ये नहीं चाहिए था, आपको प्रूफ करना था l इक्वल टू b। अगर कभी भी जीरो डालने के बाद आपका क्वेश्चन प्रूव नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, उस केस में आप जो आपने रिलेशन निकाला था ना, रिलेशन ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस b की वैल्यू अगर मैं डालूं रूट 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, l स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और l इज इक्वल टू रूट 2r। l और b दोनों सेम आ रहे हैं, अगर l और b दोनों सेम आ गए, देखो आपका l बराबर b बराबर रूट 2r है, तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट अ रेक्टेंगल इट इज अ स्क्वायर, देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, यानी हमने 2 प्रूफ कर दिया, ठीक है मेरे भाई?
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है डबल डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम, मैं कहूंगा इसको इक्वेशन नंबर वन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा आपने डेरिवेटिव कर दिया। तो देखो 8r² आपका कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, b का डेरिवेटिव 1 माइनस 12b². अब यार अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। अब मुझे क्या पता भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। आधे बच्चे कहेंगे सर ये 12 है इसलिए, अरे मेरे भाई क्या पता रेडियस की वैल्यू b से कम हो, फिर क्या कहोगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये वैल्यू उठा के डालो यहां पे, 8r² माइनस 12b की वैल्यू कितनी है, रूट 2r, डाल दी उसका कर दे स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दिया, अपन ने क्या मिल गया अपने को, 8r² माइनस 12 दूनी 24 r² दैट इज इक्वल्स टू माइनस 16r². अगर नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आया तो लड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है भैया, क्या होएगा उस केस में, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम, खत्म बात। नेगेटिव आ गया तो बल्ले बल्ले मैक्सिमम प्रूव हो गया, पॉजिटिव आया तो मिनिमम हो जाता, बट ये नेगेटिव आया मेरे भाई तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब नोट आप बाद में कर लेना, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, घबराओ मत। अब जो हम करेंगे उस क्वेश्चन को मैं पहले क्वेश्चन का दर्जा दूंगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का दर्जा दिया जाएगा। देखो जरा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से वो ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया, विल हैव ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस। देखिए मेरे भाई, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते जैसे इन्होंने बोला, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, खुला हुआ सिलेंडर तो बना नहीं सकता मैं तो खाली सिलेंडर बना पाऊंगा, थोड़ा डायग्राम में एडजस्ट कर लेना, थोड़ी ड्राइंग बाइक ही खराब है, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना तो तुम एडजस्ट कर सकते हो, हाँ बट मैथ्स के कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी चीज करनी होगी, ठीक है। अच्छा, गिवन है, शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है विच इज ओपन एट द टॉप एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिख के दे रहा है मुझे, गिवन सरफेस एरिया मैं पहचान नहीं पाऊंगा, मैं तो बड़ा चलाक आदमी, मैं तो वैसे ही पहचान लूंगा, तो मैं बोलूंगा गिवन है मेरे को सरफेस एरिया, किसका, मेरा तुम्हारा नहीं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों के दिमाग में डाउट, सर जब ये सरफेस एरिया बोलता है ना तो अपने को ये समझ में नहीं आता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, अरे मेरे भाई जब भी सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया पहले तो ये समझ लो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया बोले, आज के बाद डाउट नहीं आना चाहिए, आज के बाद मेरे को नहीं बोलोगे कि सर ये बता दो सरफेस एरिया कौन से वाले की बात कर रहा है। अच्छा, अभी अपन ढूंढ रहे टू प्रूफ, विल हैव ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, अरे ढूंढने जा रहे थे टू प्रूफ, मिल गया मैक्सिमा, करो वॉल्यूम को, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंड इफ हाइट, इफ इट्स हाइट, इट्स किसकी, इसकी, ये जो सिलेंडर है इस गंद की बात कर रहा है, इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस, अरे वाह ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है, पर ये 2004 के बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो मैं कहीं बाहर से उठा के नहीं लाया, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, अब समझो जरा क्या करेंगे भैया। मैंने बोला, बड़ी सिंपल सी कहानी अप्लाई करी मैंने बोला दिस इज माई हाइट, दिस इज माई रेडियस, अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, लेट द हाइट बी स्मॉल एच एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ऐसे बकवास लिखनी पड़ेगी, एंड वी इज द वॉल्यूम, ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा करना पड़ता है ना, आप समझ सकते हो। अच्छा, हम स्टार्ट कहां से करें क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से, मैंने आपको यही बात बोली थी। अब आपने पेपर में ये चीजें, तीनों चीजें छुपा के लिख ली, छुपा के शीट पे लिखो, मैक्सिमम वॉल्यूम, शुरुआत करेंगे वॉल्यूम से। मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम जब भी पूछे तो वॉल्यूम में अगर ऊपर से खुला हुआ है या नीचे से खुला हुआ है या साइड से खुला हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हवा तो भरी होगी, जैसे मैं बोलूं
ये पानी का गिलास आधा है, आधा भरा हुआ है, तो ये देखने वाले का नजरिया है, वो कहेगा नहीं भाई पूरा भरा हुआ है। कैसे? अरे भाई आधी हवा भी तो है। बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये देखने वाले का नजरिया है। तो वॉल्यूम इज ऑलवेज, वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड कि भैया आपका नीचे से ओपन है या ऊपर से ओपन है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर से कोई कैविटी को हम कटआउट कर लेते हैं तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, या किसी चीज को हम डाल देते हैं उसके अंदर तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं काम की बात पे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोले तो पाई आर स्क्वायर एच। देखो बच्चे कहेंगे सर हमें फॉर्मूलाज नहीं आते हैं ये वाले सरफेस एरिया वॉल्यूम के, तो बच्चों जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप वो फॉर्मूले साइड में लिखते रहिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अलग से फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, टाइम बहुत खराब होगा ना उसमें। अच्छा, अभी समझते हैं अपन, कहेंगे यहां से मैंने शुरू करा, गिवन का इस्तेमाल मुझे करना है, यानी मुझे सरफेस एरिया का इस्तेमाल कैसे भी करके इधर करना ही करना है, यानी ये सरफेस एरिया मुझे यहां लाना है रेडियस और हाइट की वजह से, यही चीजें तो है मेरे पास। तो मैं कहूंगा जो सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। बेटा 2 पाई आर एच बोले तो चारों तरफ का सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर बोले तो नीचे से जो सर्कल है ना उसका एरिया, बट ऊपर नहीं है तो ऊपर का मैंने सर्कल का एरिया ऐड नहीं करा, ठीक है। अब मेरे को एस का इस्तेमाल यहां करना ही करना है। मैं देखता हूं, मैं काम करता हूं, सर आर स्क्वायर है, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल देता हूं, लिखना मत अभी प्लीज, बिल्कुल नहीं लिखेगा कोई बच्चा। मैंने उठाई 2 पाई आर एच बराबर पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एस माइनस 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाय पाई। अब एक बात समझो, आर की वैल्यू आप आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ये क्या है, आर की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में निकल रही है ना, क्या एक्स की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में निकलती है, नहीं निकलती, ये तो गड़बड़ हो गई, यानी अपन आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते मेरे भाई। आप इसमें से कॉमन लोगे तब भी नहीं कर पाओगे, करके देख लो। तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, अगर मैं आर की वैल्यू नहीं निकाल सकता तो मेरे पास क्या बचता है, पाई नहीं बचता भाई, कहीं पाई बोल दो, एच बचता है, एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे भाई मैं एच की वैल्यू निकालने के चक्कर में आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। मैंने बोला एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच, एंड द वैल्यू ऑफ एच इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, आगे एच की वैल्यू, इस वैल्यू को आगे वॉल्यूम में डाल देते हैं। सो द वॉल्यूम बिकम्स पाई आर स्क्वायर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अभी ये पाई से पाई गया, थोड़ा काट पीट कर लेते हैं, मजा आता है जब ये रिड्यूस होता है तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन छोटा हो रहा था, अच्छा लगता है। इस आर को अपन अंदर लेके जाते हैं, एस आर माइनस पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। देखो आपको सिखाया जाता है कि हमेशा कॉमन लेके सॉल्व करो, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में आप कॉमन लेके कभी सॉल्व मत करो, अलग अलग करके करो, हमेशा आसान पड़ता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं वेरिएबल कितने बचे, वेरिएबल आर और एस है, नहीं एस वेरिएबल नहीं है सर, वेरिएबल आर है, ठीक है। दो क्वेश्चन को समझाने में मेरे को बहुत टाइम लगा, लेकिन अब हमारी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट बताने थे, जैसे कौन सी वैल्यू हम नहीं डाल सकते, कौन सी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, गिवन का इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसलिए दो क्वेश्चन करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है। बट आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो अब छोटी छोटी चीजें हमें डिस्कस नहीं करनी होगी, टाइम बहुत बच जाएगा। अपन कहेंगे डीवी बाय डीआर, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एस बाय 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2, जीरो डालेंगे एस बाय 2, अब तो सिंपल कैलकुलेशन क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जीरो के बारे में, तो 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एस बाय 2, तो एस मेरा आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओ सर मुझे ये तो प्रूफ करना ही नहीं है, मुझे जो 2 प्रूफ मिलना चाहिए था ये मिला नहीं है, ना इंसाफी हो गई, मुझे प्रूफ करना था 2 प्रूफ एच बराबर आर। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर वहां प्रूफ ना हो तो हमेशा कहां, क्या कहां प्रूफ होगा, यहां पे लिंक में वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, लिंक में वैल्यू डालते हैं एच बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, आई थिंक यही है, मैं देख लेता हूं एक बारी, यस अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो एस की वैल्यू डाली मैंने 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, बोले तो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अरे सर बल्ले बल्ले, एच बराबर आर आ गया, मजे आ गए, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर दें,
तो मेरे लाल जब डबल डेरिवेटिव करने बैठोगे तो आप कैसे करोगे, डीवी बाय डी एच, एच था एच के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, नहीं आर के रिस्पेक्ट में, ओके ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, एस बाई टू का डेरिवेटिव जीरो माइनस थ्री पाई बाई टू को मैंने बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट था, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टू आर, तो आंसर आया माइनस थ्री पाई आर विच इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस बराबर हाइट ऑफ द सिलेंडर, बात खत्म। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका जो पेपर में आने वाला है, मतलब आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू सुनिए जरा, ये बहुत बार पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर टू है, एक सेकेंड, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया विच इन इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर, नहीं कोन और सिलेंडर वाला अभी नहीं कराना है, लेवल देखकर करा रहा हूं मैं क्वेश्चन अभी। गिवन क्वांटिटी ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप, मिनिमम टोटल सर्फेस एरिया, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस। देखिए इसी का भाई क्वेश्चन, शो दैट, देखो शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डायग्राम बना लो फटाफट से, ऑफ गिवन वॉल्यूम, जिसके अंदर इस बार वॉल्यूम गिवन है, पिछली बार क्या था सरफेस एरिया गिवन था, इस बार वॉल्यूम गिवन है, विच इज ओपन एट द टॉप, मतलब ये भी टॉप से ओपन है, विच इज ओपन एट टॉप, मतलब ये भी ऊपर से खुला हुआ है, वो भी ऊपर से खुला हुआ था, लेकिन उधर गिवन सर्फेस एरिया था, इधर गिवन वॉल्यूम है, हैज मिनिमम, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, ओहो उधर ये चीज गिवन थी और ये चीज मांगी गई थी, बट मिनिमम की जगह मैक्सिमम था, क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ गया। मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ इट्स हाइट, और उसकी हाइट जो है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस, हाइट जो है वो रेडियस ऑफ बेस के बराबर है। सॉल्यूशन देखिए, आप बोलेंगे सबसे पहले तो अगेन डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा गिवन टू प्रूफ टू फाइंड, आप तीनों चीजें लिखेंगे खुद से, फिर मैं मैच करता हूं, एक आपके पास है टाइम, थोड़ा सा लिखिए। गिवन आपको हो गया वॉल्यूम, ठीक है, मिनिमम करना है टोटल सरफेस एरिया को, और टू प्रूफ करना है रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू हाइट, ठीक है, मतलब ये दूसरे नंबर पे लगा, तीसरे नंबर पे लिख दिया, शुरुआत क्वेश्चन की यहां से होती है, टोटल सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया, जो अभी कह रहा था अपन ने, टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यही था, चलो ठीक है भाई ये कर दिया मैंने, भाई टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, अब क्या करूंगा, जैसे भी करके साम दाम दंड भेद तांत्रिक गतिविधियों का इस्तेमाल करके, तांत्रिक विद्या जो आप इस्तेमाल करते हो उन सब का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, जितने मंत्र फूंक सकते हो फूंक दो, लेकिन इस वॉल्यूम को इसके अंदर लिखना है, कैसे लाना है वो आपकी हेडेक है, चलो ठीक है तुम्हारी हेडेक है तो समझा देता हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू जो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, मैं फिर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू वी बाय पाई एच, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां डालूंगा, और यहां सूखा आर नहीं छोड़ सकता, यानी इसका रूट यहां डालना पड़ेगा, वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बट आंसर सही आएगा, गलत तब भी नहीं होगा, तो इस वाले केस में डाल सकते हो, यह देखना पड़ता है मैं किस केस में डाल पा रहे। बट अगर मैं सिर्फ एच की वैल्यू को निकालता हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान पड़ता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, अब एच की वैल्यू उठा के यहां डाल देता हूं, ठीक है, तो मैंने एच की वैल्यू उठा के डाली टू पाई आर v अपॉन पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो गया, क्यों गया इतनी जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई पहले दो तीन क्वेश्चन में लगता है टाइम, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा, सब कुछ होता है, तो 2v अपॉन r प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो कॉन्स्टेंट इधर v है, वॉल्यूम इज गिवन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये कितना हो जाएगा 2v r स्क्वायर
प्लस टू पाई आर, इसको डालेंगे जीरो के बराबर, माइनस टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर, ठीक है। अब क्या करूंगा, टू वी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आर, टू से टू गया तो वी इज इक्वल टू पाई आर क्यूब, वी आ गया मेरा। अब जो चीज मुझे प्रूफ करनी होती है, अगर वो यहां प्रूफ नहीं हो रही तो क्या होगा, लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो कहां प्रूफ होगी, यहां पे। तो अपन ने यहां पे डाला h इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी आई थी मेरे भाई, v की वैल्यू आई थी आपकी पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब डाल देते हैं, पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका बन जाता है आंसर r, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस। मुश्किल था, मुश्किल है बोल दो एक बार, मुश्किल है नहीं है ना, निकल गया। अब डबल डेरिवेटिव खुद करेंगे, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा, देखो कैसे इसका डबल डेरिवेटिव, चलो कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देख लो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, देखो वन माइनस टू वी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आर की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि आपका आएगा माइनस टू आर माइनस थ्री, तो माइनस से माइनस कट गया पॉजिटिव, टू पाई आर का प्लस टू पाई, तो ये बन गया टू वी अपॉन सॉरी फोर वी अपॉन आर क्यूब प्लस टू पाई, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ गया, रेडियस इज नेवर बी नेगेटिव, रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सर्कल, तो रेडियस इज नेवर बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पूरा ही पॉजिटिव आएगा, अगर ये पूरा पॉजिटिव आ जाए दैट इज मिनिमम, खत्म बात। चलो अगले पर आ जाए, हो गया जल्दी से क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, 23 लिख रहा हूं बताओ थर्ड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है ऑफ लीस्ट सीएसए, उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है, यानी लीस्ट सीएसए अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तुम क्वेश्चन शुरू कर सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो, एंड गिवन वॉल्यूम, अब आई थिंक आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, हैज एन एल्टीट्यूड, और उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ, भाई उसका जो एल्टीट्यूड हैज एन एल्टीट्यूड, देखना जरा कितना है, इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। अरे यार इतना नकली क्वेश्चन यार, कोई भी कर दे तो है। शो दैट राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है उसके अंदर शो करना है, यानी टू प्रूव हो गया लीस्ट सीएसए, यानी आपको जाना है सीएसए के मिनिमाइजेशन पर, ये सॉरी टू प्रूव नहीं हुआ, मिनिमम पे, मिनिमम वाला केस, मतलब यार तीन चीज होते हैं, गिवन टू टू प्रूफ टू फाइंड और मिनिमाइजेशन, तो भैया मैं कोई सा भी पहले लिख सकता हूं, मेरे ऊपर है तो, है ना। अब गिवन वॉल्यूम, गिवन है मेरे को वॉल्यूम, ओके रिपोर्ट मामला, हाइट इज इक्वल टू रूट टू टाइम रेडियस, बोले तो ये टू प्रूव हो गया, है कि नहीं है। अब यार एक चीज समझो, तुम्हें क्वेश्चन की शुरुआत मैंने कहां से बोली थी करने के लिए, यहां से मिनिमाइजेशन से, तो यहां से शुरुआत करो ना। आप बोलो सर सीएसए इज इक्वल टू पाई आर एल, मैं आपकी बात मान लूंगा, क्योंकि कोन का तो भैया पाई आर एल ही तो होता है, या कुछ और होता है, यही होता है सर, ठीक है। बट आपको अपनी सारी तांत्रिक गतिविधियों का इस्तेमाल करके इस वॉल्यूम का इस्तेमाल यहां करना है, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं है। चलो बढ़िया यार, ये है। अब ऑब्वियस है एल की वैल्यू तो डल ही नहीं सकती, क्योंकि यहां एल है ही नहीं, का एल एल ही नहीं, बट आर की वैल्यू डाल सकते हैं, तो आर की वैल्यू स्क्वेयरिंग करके डालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था स्क्वेयरिंग से सिर्फ क्वेश्चन आसान होता है, कोई कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन थ्री पाई, जो भी है मतलब ये डाल देंगे, वी थ्री ऊपर पाई एच। चलो यार ये वैल्यू उठा के यहां फेंक देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मैंने डाली सी स्क्वायर को एम मान लिया, आसान हो जाता है ना, पाई स्क्वायर थ्री वी अपॉन पाई एच। चलो जब वैल्यू कटती है तो मजे आते हैं भाई, ये कट गया, बट अपने पास तमीज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, दो दो वेरिएबल यहां पर बैठ गए, एक एल और एक एच, इन दोनों ने यहां पर जगह बना ली है, जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन को कर दिया परेशान। अब मुझे कुछ भी करके एल और एच को दोनों में से किसी एक को हटाना है, वो मेरी हेडेक है या आपकी हेडेक है, तो भैया हमें बचपन से पता है कि एल स्क्वायर भाई साहब जो है ना वो आपके हमेशा और हमेशा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होते हैं। चलो मैंने लगा दिया ये भी, लेकिन फिर देखा जाए यार
मैंने एल को हटाया तो आर आके पंगा लेके चला गया मुझसे, तो क्या हुआ, आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, उठा के फिर डालो इसके अंदर। यानी सिर्फ क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से घुमाना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप तमीज से सीख जाते हो कि किस चीज को हटाना है किसको लाना है, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है, रियलिटी है बता रहा हूं मैं आपको। बट अगर जैसे जब मैं ट्वेल्थ कर रहा था अपने टाइम पर, तब मैंने भी ये चीज में मेरे को प्रॉब्लम आती थी कि कैसे पता लगेगा, मैंने हर पॉइंट के पीछे आपको बताया ये चीज नहीं ले सकते तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए वैल्यू कहां से ला सकते हैं, फिर वैल्यू कहां से लाए हैं, लेकिन यहां पे दोबारा वेरिएबल जगह लेके बैठ गया, दोबारा जगह लेके बैठ गया तो इसकी वैल्यू दोबारा से डाल देते क्योंकि दोबारा मेरे पास है। अब अगर आप देखो तो आपके पास वी कॉन्स्टेंट है और एक ही वेरिएबल है एच, अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बट अभी नहीं करोगे। मैंने आपको कैसे कहा था, पहले आप मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके मत किया करो, उस केस में आसान पड़ता है। आप बोलना सर 3v h square by h, ठीक है ये कैंसिल, प्लस 9v square upon pi h का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करता हूं सरफेस एरिया को, तो ये बन जाता है h था dm था ना, वो 3v pi h है तो 3v pi बाहर आ जाएगा, h का डेरिवेटिव 1, और h square का कितना होगा माइनस 18v square upon pi h cube। देखिए h की पावर माइनस 2 का ना आप रफ में करके देखिए सॉल्व यही मिलेगा आपको, जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो डाल दीजिए इसको, ठीक है। अब इसको मान ले जाते हैं 18v स्क्वायर अपॉन पाई एच क्यूब इज इक्वल टू 3v पाई, ठीक है v से ये कैंसिल 3136, तो आप कहेंगे v इज इक्वल टू पाई स्क्वायर नहीं आना चाहिए, पाई का कहीं पर हाँ 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 ये 3v, अच्छा ठीक है ठीक है बच्चों ये 3v और पाई भी था ना, ओके ये पाई यहां पर भी रहेगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो पाई स्क्वायर होएगा, इसके साथ जाएगा तो पाई होएगा, यहां पे पाई स्क्वायर रहेगा, इसके साथ पाई रहेगा, यहां पे पाई स्क्वायर रहेगा, यहां पे पाई रहेगा, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल आउट ही हो गया, पाई स्क्वायर डिवाइड में आएगा, मैं इसको ना दोबारा कैलकुलेट कर देता हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है मेरे इसके अंदर, क्योंकि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने सिर्फ क्या किया ये पाई को इसके साथ लिखना भूल गया, ठीक है ना, चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ बाकी सारा सही है, आप करके देखिए आपका आंसर सेम आएगा, मैं करके दिखा रहा हूं फिर भी, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3v पाई एच स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना ना, 3v पाई एच स्क्वायर बाई एच प्लस 9v स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, हाँ ये बनेगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ये उधर जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3v पाई एच का डेरिवेटिव 1 माइनस 18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब, ठीक है। अब इसको इक्वल 0 के इक्वल डालेंगे, याद है ना, अब इसको मान लेंगे 18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब इज इक्वल टू 3v पाई, v से इसे कैंसिल आउट कर दिया, ये टर्म बन जाएगी 3136, तो v इज इक्वल्स टू पाई एच क्यूब बाय 6। बट हमें यह प्रूव नहीं करना था, अगर यह प्रूव आपको नहीं करना है तो इसकी वैल्यू उठा के कहां पुट करोगे, यहां पर 3v अपॉन पाई एच, आर स्क्वायर बराबर 3v अपॉन पाई एच, 3 इंटू पाई एच क्यूब डिवाइडेड बाय 6 अपॉन पाई एच, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर जो है वो मेरा आ गया एच स्क्वायर बाई 2, और 2r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और h बराबर रूट 2r, जो मुझे प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब जब आप इसका डबल डेरिवेटिव मार देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव आप खुद कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है अपना, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए, शो दैट वॉल्यूम ऑफ
लार्जेस्ट कोन, इसके अंदर ना मैं एक स्फेयर वाला क्वेश्चन कराया था, स्फेयर के अंदर, एक मिनट रुकना, स्फेयर के अंदर सिलेंडर वाला, हाँ ये वाला मत लिखो, ये लिखो शो दैट, यहां से लिखो शो दैट, पहले ये वाला करते हैं फिर वो लार्जेस्ट कोन वाला करेंगे, अगला क्वेश्चन वही होगा। हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 2R/√3, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। क्वेश्चन ये कहता है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, स्फीयर के अंदर सिलेंडर, अगले वाला क्वेश्चन है स्फीयर के अंदर कौन, जिसका सब बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, जो इससे पहले मैंने लिख कर अभी काटा है ना, वो वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद करवाऊंगा दो एंगल वाले जो क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा पाई h³ tan² अल्फा वाला जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन और कराने, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, फिर हमारा ये पार्ट जो है वो मैक्सिमम मिनिमा का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक जाएगा जैसे कि मैंने बताया था, बट हाँ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर है उसके अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है, स्फीयर के अंदर क्या है, सिलेंडर ऐसे, ठीक है। अब उसने क्या बोला, हाइट सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन टू फाइंड या टू प्रूव, और तीसरी चीज हम लिख रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा, वैसे मैक्सिमम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख देते हैं। इसने बोला है शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर की हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, बेटा स्फीयर ऑफ रेडियस आर इसका मतलब है गिवन हो गया आपको कैपिटल आर, यानी स्फीयर ऑफ रेडियस। आप लोग सोच रहे होंगे सर गिवन आर कैसे हो गया, देखो अगर मैं बोल देता दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5, तो आप बोलते गिवन है 5, तो अभी गिवन कितना है 5 की जगह आर, तो वो वेरिएबल है, बात तो वही है ना। टू प्रूव आर इज 2R/√3, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ग्लास, देखना ये समझना कि पहले टू प्रूव मैं लिख देता हूं, टू प्रूव इज हाइट इज इक्वल्स टू 2R/√3। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, एक चीज समझो, मैंने बोला ये ग्लास जो कि कांच का है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट इजीली दिखाई दे जाता है, 10 रुपए का है, यानी स्टार्टिंग में मैंने बताया ग्लास, बीच में बताया उसके फीचर, एंड में बोला कि प्राइस कितना है, यहां पे भी ऐसा ही है। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जो कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है, इज 2R/√3, यानी 2R/√3 हाइट इज इक्वल टू 2R/√3। बात समझ में आई, पहले मैंने बोला हाइट, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, बीच में मैंने उसके फीचर्स बता दिए, और उसके बाद मैंने बोल दिया वो जो है वो 2R/√3 के इक्वल है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी टू फाइंड भी करना है हमें, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, ओके। अब देखिए, शुरुआत करेंगे मैक्सिमा से, मैक्सिमम कैसे होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम जो है वो बराबर है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का रेडियस आर और हाइट एच मान ली मैंने, और सिलेंडर का रेडियस मैंने आर मान लिया, और ये वाला जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। एक चीज ध्यान रखना, हाइट सिलेंडर के केस में इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है हमेशा, ठीक है, क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि आपको इस आर का इस्तेमाल यहां करना ही करना है, तो आर का लिंक हाइट और आर के साथ आपको क्लियरली दिख रहा है, आप बोल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय 4, क्योंकि एच बाय 2 का स्क्वायर,
प्लस आर का स्क्वायर, एक काम करते ना एच की वैल्यू नहीं निकालते, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते, इजी पड़ेगा। देखो एच की निकाल सकते हो, ऐसा गलत नहीं होगा, बट इजी पड़ेगा, है ना। तो अब ये वैल्यू डाल देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई फोर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाई फोर, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच, क्यों, आर इज कॉन्स्टेंट। अब आपको सारी बातें पता है कि क्या क्या चीजें, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थ्री पाई एच स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब आप कहेंगे इक्वल टू जीरो डाल देते हैं इसको, ठीक है ना, थ्री पाई एच स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका h हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी h इज इक्वल्स टू 2r बाय रूट 3। शायद यही आपको प्रूफ करना था, इस बार रिलेशन में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपको करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, टू प्रूफ हमने कर दिया, गिवन का इस्तेमाल भी कर दिया, गिवन का, एक सेकेंड, गिवन का इस्तेमाल हो गया, टू प्रूफ ये हो गया, टू प्रूफ वाला काम होगा, टू फाइंड कर लेते हैं, मैक्सिमाइज आप खुद करेंगे डबल डेरिवेटिव करके, टू फाइंड मैं कर देता हूं, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर की वैल्यू थी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय फोर, और h की वैल्यू 2r बाय रूट 3, ठीक है। तो ये निकल जाएगा मेरे भाई, पाई r की वैल्यू अपने को नहीं पता, फिर से अपने को h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू अगर मैं ये डालता हूं यहां पे, तो 1 बाय 4 को मैंने ऐसे ही रख दिया, h का स्क्वायर कर देता हूं 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इसको सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देख लो एक बारी। देखो बच्चों मैंने सबको कैपिटल R में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू गिवन है मुझे, है ना, सीधा हिसाब किताब है। माइनस चार से चार गया, आर स्क्वायर बाय थ्री, टू आर बाय रूट थ्री, पाई तीन में से एक गया यानी टू आर स्क्वायर बाय थ्री, और ये टू आर बाय रूट थ्री, यानी पाई फोर पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, क्लियर है, जो हमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में हमने करा मैक्सिमम वॉल्यूम वाला केस, ठीक है, कि भैया वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमाइज कैसे करना है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन करूंगा उसके अंदर मैं करूंगा क्लियर, आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हमने करा स्फेयर के अंदर सिलेंडर, अब हम करेंगे स्फेयर के अंदर कोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, शो दैट the maximum volume of cylinder which can be inscribed in a cone, जो कि inscribed है cone में, of height small h and semi vertical angle alpha and semi vertical angle alpha is 4/27 pi h cube tan square alpha। मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, उसने बोला शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यानी यू हैव टू मैक्सिमाइज द, अबे मैंने वापस कोई लिख दिया क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम, एक मिनट दोबारा देखता हूं, show that maximum volume of a cylinder which can be inscribed in a cone, हाँ cylinder के अंदर cone कर रहे हैं इस बार, maximum volume of a cylinder that can be inscribed in a cone, sorry cone के अंदर cylinder कर रहे हैं, मेरे को लगा हम circle sphere के अंदर वो वाला question कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सबके दिलों की धड़कन है question, यार ये वाला मुझे बाद में कराना था, चलो अब लिख लिया है तो कर लेते हैं, but आप इस question को चाहे तो अपने उसमें डाल सकते हैं कि ये actually 6th number पे करना चाहिए था मुझे, पांचवें नंबर पे मुझे करवाना था स्फेयर के अंदर कोन वाला,
अब अगला क्वेश्चन मैं स्फीयर के अंदर कोन वाला कराऊंगा, वो इसके जस्ट बात था, गलती से मैंने इसे उतार दिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए मैं तीन पेज छोड़ देता हूं, आप भी तीन पेज छोड़ दीजिए, एक दो, ठीक है, और उसके बाद तीन, तीन पेज मैं इसके अंदर छोड़ देता हूं, ठीक है, तीन चार पेज मैंने छोड़ दिए। मैं पहले वो वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर सिक्स को, एक्चुअली ये पांचवा क्वेश्चन होना चाहिए था, तो आप पहले वो वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करा रहा हूं। देख लो जरा, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मेरी एक बात सुनो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन का मर्ज किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसके ऊपर तीन क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअल में। अगर आप इसे ढंग से पढ़ लोगे ना, तो आप ये समझ लो तीन क्वेश्चन आपने कवर कर लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं इस लेक्चर को देखो, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहला पार्ट हम यहीं तक रखेंगे, जिसके अंदर हम मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं लिमिट ऑफ अ सम एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो और होमोजीनियस वाला पार्ट है वो कवर करा दूंगा, फिर बेस थ्योरम अकेली रह जाएगी, ठीक है, फिर बेस थ्योरम वाला अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा क्या है सॉल्यूशन, देखिए जरा इसका। मैंने बोला शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, एक कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, ये वाला क्वेश्चन, चलो ठीक है कर लेते हैं हम, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस आर है, यानी गिवन जो हुआ वो आपको हुआ स्मॉल आर, ये गिवन है, गिवन क्या है स्मॉल आर, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये चीज ध्यान रख लो पहले, तो क्लियर आउट कर लो, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट हाइट, आप ऐसा कह देंगे कि ये जो है ये आपकी हाइट ऑफ द कोन है, कैपिटल एच सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर उसके अंदर आ गया, तो मेरी मर्जी है मैं चेंज करके कर सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया कैपिटल आर, ठीक है, और ये मेरा ऐसे हो गया। तो मैं इस पार्ट को, जो बचा हुआ पार्ट है, इसको मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट एच माइनस आर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ये जो पार्ट है, अगेन दिस पार्ट इज स्मॉल आर, भाई रेडियस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। अब मेरे भाई आप ये देखो, पहले आपने सारा डायग्राम के अंदर तैड़ पैड़ काम कर दिया जो करना था, अब आपको उठाना कहां से है, गिवन टू फाइंड या टू प्रूव, देखो टू प्रूव है, कहता है शो दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का कोन लार्जेस्ट है, यानी ये हमें टू प्रूव मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज कर दो, कोन का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम प्रूफ करना है, That can be inscribed in a sphere, जो कि एक स्फेयर में inscribed है, ठीक है, is 8/27 volume of sphere. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने फीचर बताया, मैंने बोला एक पेन जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का है, जो बहुत स्मूथ चलता है, ठीक है, जिसकी पॉइंट बहुत पतली है, ये 10 रुपए का। तो मैंने बोला एक पेन, पहले पेन बताया, फिर उसके बीच में फीचर बताया, फिर उसका प्राइस बताया, ठीक है, ऐसे यहां पे है। तो टू प्रूव आपको करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, उसके बाद उसके फीचर बता दिए, इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी ये आपको टू प्रूव में आ गया 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्लियर हो गई ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है, चलिए ठीक है आगे समझ लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, अब मैं चलूंगा स्टार्ट करने पर, मैक्सिमाइज करने से वॉल्यूम ऑफ कोन पे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ये होता है। अब मुझे कैसे भी करके अपना दिमाग लगा के, अपनी अकल लगा के, मुझे कैसे भी करके इस आर को हटाना है, मतलब इस आर को हटाऊं, इस एच को हटाऊं, इस आर को लाना ही लाना है मुझे, ये मेरी हेडेक है, मैं इस आर को कैसे लेकर आता हूं, क्योंकि ये गिवन है। अब इस आर को हटाने के लिए मुझे इसका और इसका सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं कि आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर
बराबर आर का स्क्वायर। तो अगर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कोई लड़ने वाली बात नहीं है, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस टू एच आर, ये उड़ गया। तो ये थोड़ा सजा के मैंने लिख दिया इसे मस्त तरीके से, रापचिक तरीके से, कि जो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू है वो ये है, ठीक है मेरे भाई। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टू एच आर माइनस एच का स्क्वायर, नहीं दिख रहा था, अब जादू से दिख जाएगा क्योंकि जादू ताकतें तुम सबके पास है, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर यहां से यहां डाल देते हैं। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, चीजें पुरानी ही चल रही हैं, लिंक पुराने ही चल रहे हैं, सोचना है बस आपको कि कौन सी चीज हटाई जाए कौन सी चीज लगाई जाए, ये आपको देखना है बस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप कह सकते हो 1/3 पाई, ठीक है, 2hr माइनस h का स्क्वायर इंटू एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो कैसे, 1/3 पाई, 2 अंदर चले जाते हैं, 2 बाई थ्री पाई hr h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच क्यूब और इधर हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2/3 पाई एच स्क्वायर आर और 1/3 पाई एच क्यूब है, ठीक है। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैंने वर्बली भी बोल दिया है, ये मैं दोबारा कर देता हूं, माइनस 1/3 पाई एच क्यूब, ठीक है। और ये मेरे भाई नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो यार ये क्या हो गया, हाँ आर इज गिवन, ठीक है यार, आर का यूज हो गया गिवन का, एच इज वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, बल्ले बल्ले होगी सर, आप कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। अब अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं कहूंगा 2/3 पाई बाहर और आर भी बाहर, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। माइनस 1/3 पाई बाहर 3h स्क्वायर, मुश्किल है नहीं, 3 से 3 गया। अभी अपन जीरो डालेंगे, पता है ना सबको ये बात, अभी अपन जीरो डालेंगे, 0 = 4πRh/3 माइनस पाई एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर उधर गया इज इक्वल टू 4πRh/3, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एच इज इक्वल्स टू 4/3R। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को कंडक्ट करता है, आप देख लीजिए आपकी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये प्रूफ करना है, मिसलेनियस में सेम क्वेश्चन है बट प्रूफ यहां तक करना है, वो निपट गया, देख लिया, यानी एक क्वेश्चन 3 शिकार, जैसे एक तीर से 2 शिकार होता है हम 3 करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर इतना कैलिबर है ना, हमारे मतलब तुम्हारे अंदर भाई, ठीक है, समझने वाली बात है। H इज इक्वल टू 4/3R आ गया, बट मुझे ये प्रूफ नहीं करना मेरे भाई, मुझे प्रूफ क्या करना है, इस पर आते हैं टू प्रूफ। अपने को क्या प्रूफ करने का है, अपने को प्रूफ करने का है वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस गंधमंद। अरे भैया मैंने आपको बताया था अगर उधर प्रूफ नहीं हो रहा तो जो रिलेशन आप निकालते हो, जो लिंक आप निकालते हो उसके अंदर पुट कर दो, वैल्यू प्रूफ हो जाएगी, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो जब मैं इसमें पुट करता हूं, R square is equals to 2HR minus, क्या था भाई, R square था, हाँ ठीक है, चलो वैल्यू डाल देते हैं, H की वैल्यू कितनी है, 2 4/3R into R minus R square, अपन इसको सॉल्व करते हैं, 8R square by 3 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, बट एक बारी मैं देख लूं ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, हाँ देखा मैंने गलत लिख दिया, एच स्क्वायर था माइनस में, ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच की वैल्यू देखो क्या है, एच की वैल्यू कितनी निकाली, 4/3R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी मेरे भाई 8R square divided by 3 माइनस 16R square by 9। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 9 इज द एलसीएम, 24R square minus 16R square is equals to 8R square by 9। और अगर आप R की वैल्यू निकालें, निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैं जानबूझ के आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं क्यों, बाय 3 आएगी नहीं आएगी भाई, रूट ले लिया ना मैंने इसका, ठीक है बच्चों मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ये जो कैपिटल R आया मेरा एग्जाम में, एक क्वेश्चन बोर्ड्स में कभी ना कभी किसी 10 ईयर में मेरे पास पड़ा हुआ है, ये प्रूफ करने को आया कि प्रूफ दैट रेडियस ऑफ कोन इज 2√2 रेडियस ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 3, ऐसा क्वेश्चन। तो भैया प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन 3 शिकार, दूसरा शिकार ये था, तीसरा शिकार कौन सा जो हम प्रूफ करेंगे, वो मेरा तीसरा शिकार है, तो तीसरे शिकार पर चलते हैं। अपने को प्रूफ क्या करने का है, टू प्रूफ, अपने को जो टू प्रूफ करने का है वो ये है, आप नीचे लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वी हैव टू प्रूव।
तो कोई दिक्कत नहीं ना, उठा के वैल्यू डाल दो। वॉल्यूम ऑफ कोन बचपन में पढ़ा था 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच होता है। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। इधर देखो जरा, इधर आपके पास स्मॉल आर है, इधर आपके पास ये दोनों गंधबंध है, तो यार इसकी वैल्यू ये निकाली, इसकी वैल्यू ऊपर निकाली थी 4r/3 जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है वो वाला प्रूफ कर रहे हैं। तो 1/3 पाई आर की आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट डाल देता हूं, यार ये मेरे आर स्क्वायर की वैल्यू है 8r² / 9, ठीक है, तो ये आ गई 8r² / 9 और कैपिटल एच की वैल्यू क्या है 4r/3 आई थिंक सो, कैपिटल एच की वैल्यू यस 4/3 r, ठीक है, तो 4/3 r। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या सही आ रहा है मेरा आंसर या नहीं, मतलब LHS और RHS प्रूव हो रहे हैं नहीं। देखो 8/27, 8/9 ये हो गया, इस तीन को एक साथ रख लो यानी 8/27, ठीक है। अब उठाओ आप बचा हुआ माल, बचा हुआ माल क्या है पाई आर क्यूब 4/3, कैसे पाई आर स्क्वायर इंटू आर इज पाई आर क्यूब और 4/3 ऐसे का ऐसा हो गया प्रूफ जो आपको प्रूफ करना था। खत्म, मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं, डबल डेरिवेटिव कर देना अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम और आ ही जाएगा जरूर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको बोला था रह गया था गलती से मेरा कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, यही होगा, ठीक है। शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अपने को क्या करना है मैक्सिमाइज, ओके रिपोर्ट मामला है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, जो कि कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ऑफ हाइट स्मॉल एच, जिसकी हाइट स्मॉल एच है, यानी गिवन आपके पास हो गया स्मॉल एच एंड एक और चीज दे दी सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। यहां पर दो दो चीजें गिवन हो जाती हैं, इसलिए बच्चों को ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगने लग जाता है। उसके बाद बोला है इज 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप इस क्वेश्चन को समझ लो, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और साथ ही साथ प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बीच में उसके फीचर बताए इज दिस। तो यू हैव टू टू प्रूफ वाला जो पार्ट है जो सेकंड नंबर पे हुआ करता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। बच्चे कहेंगे नहीं दिख रहा, ये मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर अल्फा, ये देखो अब दिख जाएगा जादुई शक्तियों के साथ, दिख गया भाई, ठीक है। तो इसे पॉज करके आगे पीछे करके कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर आप देखें तो ओ, 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 पहले डायग्राम बना लो, ऐसे नहीं, कोन के अंदर एक सिलेंडर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जानबूझ के, अब डायमेंशन के लिए मैं सहारा किसका लूंगा, शो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच, कोन की हाइट स्मॉल एच है, इसी में डायग्राम में आप बना देंगे, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये कोन है तो दिस एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल, और उसका अगर आप आधा कर देते हैं तो बन जाता है ये पार्ट सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, वो सब हम प्रूफ कर लेंगे। मैंने कोन का रेडियस सेलेक्ट कर लिया स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं इसका सारा सामान उठा लेता हूं, ये आ गया मेरे पास, मैं एक काम करता हूं सिलेंडर का करता हूं लेट कैपिटल एच, ठीक है। देखो स्मॉल हमने उसके लेट कर लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और रेडियस इसका लेट कर लिया स्मॉल आर, ठीक है।
ज्यादा सोचो मत, सबसे पहले तो आप क्या करो, आप उठाओ सीधा क्वेश्चन को जहां से हम शुरुआत करते हैं। पहले डायग्राम बनाया, अभी तक हमने कुछ अलग नहीं करा है, पुराना ही चावल हम उबाल रहे हैं और उबाल उबाल के उसको बना रहे हैं। तो पुराना चावल हम उबाल के बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अपने को क्वेश्चन को वहीं से शुरुआत करनी है, वहीं एंड करना है, वहीं सब कुछ करना। तो अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब मुझे अपनी सारी दिमाग की शक्ति लगा के, या जो तांत्रिक शक्ति तुम लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, जो तांत्रिक विद्या तुम लोगों ने सीखी है वो सारी विद्या सीख कर आप लोगों को R और H को हटाना है, और किसको लाना है मेरे भाई, R और H में से H और अल्फा को लाना है, लाना है यार, ये बड़ा लफड़ा हो गया भाई, H और अल्फा को लाना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं सर, देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के लिए अभी आप पेन कॉपी छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पे बैठा हूं, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एच की बात हो रही है यहां पे, ठीक है मेरे भाई। मैंने बोला कि आर स्क्वायर है और एच है, ठीक है यार, मुझे आर और एच ये दो चीजें यहां पर यूज हो रही हैं, मुझे एच और अल्फा का यूज इनकी मदद से करना है। एच और अल्फा को देखते हैं क्या इनके साथ कोई लिंक बना रहा है, एच, ठीक है, ये कैपिटल आर, अब कैपिटल आर कहाँ गया, इसको कैपिटल आर लेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एच कैपिटल आर, ये एंगल अल्फा, यार कोई लिंक ही नहीं बन रहा, और इस एच का भी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आप एक चीज तो पहले समझ लो कि आपको लिंक किसका चाहिए, आपको ये चार का लिंक चाहिए, ठीक है, आर एच स्मॉल एच और आपको स्मॉल आर का गिवन है, मतलब स्मॉल आर भी दिया हुआ है, लेक्ट कर लिया आपने या फिर गिवन है, जो भी कह सकते हो आप, आपके ऊपर है। इस R को ना एक काम करते हैं हम, जो सिलेंडर की सारी डायमेंशन है उसको कैपिटल में रख लेते हैं, ठीक है, और कोन की सारी डायमेंशन को स्मॉल में रख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो हम, नहीं तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि किसमें हमने स्मॉल और किसमें हमने कैपिटल एड किया। अच्छा, लिंक चाहिए मुझे, देखो ध्यान से सुनो, R H H और R, तो भैया ये चार का लिंक ना आपको दो ट्रायंगल देते हैं, क्योंकि ये H और R जो आ रहा है ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, देखो जिसके अंदर सेमी वर्टिकल एंगल था ना, इस वाले के अंदर आ रहा है ये, इसको एक नाम देते हैं A B C, A B C में आ रहा है भाई, A B C में आपका H आ गया और R आ गया, और जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल देखो जरा एक बार, इसको कलर चेंज कर देता हूं, इसका हाईलाइटर यूज करता हूं, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या देखना जरा एक बारी, इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, इस पार्ट की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है, जिसमें आपका स्मॉल आर का इस्तेमाल हो जाएगा और कैपिटल एच मिल जाएगा। तो लिंक मिला नहीं मिला, ये एच ये स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। द प्रॉब्लम इज बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में सिमिलर करना है और किस में डायरेक्ट चलना है। मेरे भाई एक बात समझो कि हमें लिंक इन दोनों का, इन दोनों के साथ करना है, तो ढूंढो चीजों को कि कहां से कहां उठा के लाई जाए और कहां लगाई जाए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक एक रीजन है, आप हवा में तीर नहीं मार सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। अच्छा भाई एक चीज ध्यान रखना, ये एंगल भी अल्फा होगा अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 90 ये 90, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो जाते हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाती है कि एच बाय आर इज इक्वल्स टू एच बाय आर माइनस आर। तो भाई कम से कम H की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वहां पुट कर देते हैं, H की वैल्यू मैंने निकाली H बाय R, R माइनस R, और इसको उठा के मैंने यहां फेंक दिया, पाई R स्क्वायर H बाय R, R माइनस R। अब प्रॉब्लम सुन लो, अभी भी आगे डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्यों यार, आप एक चीज सुनो, मैंने आपको बोला था जो चीज गिवन है उसका इस्तेमाल करना ही करना है, और गिवन में से आपका सिर्फ एक ही यूज हुआ है एच, अल्फा रह गया, आप अल्फा को छोड़ा है कहीं पर, जैसे होता है ना छोड़ा है हम वो गलियां, ऐसे ही अल्फा को छोड़ा है हम कहीं पर। अब मेरी बात सुनो तेरा ध्यान से, पहले आप ये देखा करो जब भी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, मैं एक एक चीज जैसे मैं सोचता हूं आपको भी कोशिश वही करवाता हूं कि आपको ऐसा सोचना सिखा सकूं। अगर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे, बार बार करोगे, देखो कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार देखने पर समझ में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट करना दोबारा और तिबारा, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मेरी बात सुनना, इस एच का काम तमाम, बारी किसकी है मेरी, मेरी बारी सुन लो किसकी है,
देखो इसको मुझे सॉरी ये इसको मुझे छेड़ना नहीं है क्योंकि ये गिवन है, इससे पंगे नहीं लेने। जो पंगे लेने वाली चीज है वो ये आर है और ये आर है, ठीक है। इसका मुझे कुछ करना है, जैसे होता है ना दया दरवाजा तोड़ दो, या वैसा वैसे ही यहां पे देखो एक चीज समझो, आपको चाहिए आर और अल्फा, कोई लिंक ढूंढो भाई। आर को हटाना है अल्फा को लाना है, चलो ठीक है ढूंढ लेते हैं। आप कह सकते हो ना कि ये आर इसके अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि स्मॉल आर और अल्फा का लिंक कोई भी ढूंढो जो आपको मिले। आपको मिल रहा है देखो स्मॉल आर में लिंक मिल रहा है, ये स्मॉल आर है पूरा वाला, तो आप बड़ा ट्रायंगल उठा लो। आप कह दो मुझे बड़े वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं सर हम, ये एंगल आर, दिस एंगल अल्फा, दिस इज एच। तो आप कहेंगे सर आर बाई एच इज इक्वल्स टू टैन अल्फा, तो आर की वैल्यू जो है वो एच टैन अल्फा हो जाएगी। तो बच्चों एच की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एच तो गिवन है, उसका तो हमें बार बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आर की जगह पर जब मैंने वैल्यू डाली, मैंने बोला पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने वैल्यू निकाली आर की जो कि आई है एच टैन अल्फा, ये निकाली ना, और आर की जगह पर एच टैन अल्फा माइनस कैपिटल आर। अब देखता हूं, देखो यार मेरे को जो गिवन था एच एच अल्फा यूज हो चुका है, और जो बच गया जो मेरा सामान बच गया ये वो एक ही वेरिएबल है। मचे आ गए सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो इसमें रटने वाला नहीं होता, लॉजिक होता है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, एच से एच को उड़ा दो, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर, 1/10 को मैं कह दूंगा कॉट, ठीक है, और उसके बाद है एच टैन अल्फा माइनस कैपिटल आर, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पे आप लोग तो पेज में आगे पीछे करके कर लेना अपने अकॉर्डिंग, पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा इंटू एच टैन अल्फा माइनस पाई आर क्यूब कॉट अल्फा, टैन से कॉट गया तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया हमारा, ठीक है ये आ गया। अब मेरा एच और अल्फा कांस्टेंट है, ये मुझे कुछ नहीं कह रहे, मुझे आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर दीजिए, आपका आ जाएगा पाई टू आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा, ठीक है, इक्वल टू जीरो डाल दो इसको, 2 पाई आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा, और आप कह दीजिए कि 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, पाई से पाई गया आर से आर गया, यानी आप कह सकते हैं कि आर की वैल्यू जो आई वो आई एच 2h/3, ठीक है, अपॉन कॉट अल्फा, जिसे आप कह सकते हैं 2/3 एच टैन अल्फा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 1/cot इज टैन। अच्छा जो हमें टू प्रूफ में करना था वो अगर यहां प्रूफ नहीं हो रहा तो कहां करेंगे? लिंक में। लिंक आपने क्या निकालना था, लिंक देखना था एक बार, लिंक आपने बहुत सारे निकाले, लिंक आपने ये निकाला था एच इज इक्वल्स टू एच बाय आर आर माइनस आर, यहां डाल देते हैं एच बाय आर, ठीक है, एच स्मॉल है, आर माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या था, इज इक्वल टू में था कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूं तो ये बनेगी लफड़ा पड़ गया इस आर का, इस आर का लिंक आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं एच टैन अल्फा, पीछे देख लीजिए, तो एच टैन अल्फा माइनस 2/3 एच टैन अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल एच। देखो ऊपर से टैन अल्फा को कॉमन लेकर इससे उड़ा दो, एच से एच चला गया, ठीक है, तो ये बचेगा 1/3 एच इज इक्वल टू कैपिटल एच। अब आपको वॉल्यूम ऑफ प्रूफ करना है, मैं यहां क्वेश्चन में देख लेता हूं, शो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8/27 पाई एच क्यूब टैन स्क्वायर अल्फा, ठीक है मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है,
टू बाई थ्री एच, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर बाय नाइन एच स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल एच की वैल्यू वन बाय थ्री एच, दैट इज इक्वल्स टू फोर बाय ट्वेंटी सेवन एच क्यूब टैन स्क्वायर अल्फा. हो गया प्रूफ. डबल डेरिवेटिव आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन बढ़िया था, लाख रुपए का क्वेश्चन था. ठीक है, अब जो क्वेश्चन है दे आर वेरी सिंपल एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, इस क्वेश्चन से तो बहुत आसान है. तो छह क्वेश्चन हमारे होगा, चार क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम. क्वेश्चन देखो फटाफट से, अब जल्दी जल्दी वाले हैं सारे क्वेश्चन भाई. मेन जो था वो हो गया, एक क्वेश्चन आएगा बस, वो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री टू द होल पावर थ्री बाई टू वाला, वो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, उसको मैं लेके करूंगा बढ़िया तरीके से. ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन आना है, दो क्वेश्चन और करने, तीन क्वेश्चन टोटल करने हैं, कंप्लीट हो जाएगा, निपट जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर सेवन इज शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ये चीज क्लियर होगी. देखो जैसे ही क्वेश्चन आधा पढ़ा ना, आधा काम दिमाग में समझ में आ गया और छोड़ दिया. ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट. ओ हो, एंड गिवन स्लांट हाइट. भाई मुझे अपने टाइम पर ये जो स्लांट हाइट वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा करते थे. ठीक है, इस कॉस इनवर्स वन बाय थ्री. लेकिन अब मैं जब पढ़ाने लग गया हूं तो मुझे बहुत आसान लगते हैं ये क्वेश्चन, मुझे आज भी याद है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया था वो 2014 के पेपर में आया था, और 2014 का जो मेरा बैच हुआ था, जिन बच्चों ने दिया था, ठीक है, मुझे आज भी उनके नाम याद हैं, और दे आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स. और वो लोगों को मैंने अपने, मतलब इतने अच्छे मेरे थे दोस्त, दोस्त की तरह थे. ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में आया था, और उनको मैंने अपने, इवन इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं अपनी पार्टीज में भी उन्हें बुलाता हूँ. ठीक है, तो देखिए ज़रा इस क्वेश्चन पर आते हैं. 2014 का जो बैच था उसकी बात कर रहा हूँ मैं. शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, इसको अल्फा मान लेते हैं, जनरली अल्फा का नाम से यूज हो रहा है. मैक्सिमम वॉल्यूम, यू हैव टू वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने का है अपने को कोन के. एंड गिवन स्लांट हाइट, ये तो क्लियर उसने बता दिया भाई, गिवन है एल इज, ये फिर से वही बात. शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब सेमी वर्टिकल एंगल बीच में उसके फीचर्स, और लास्ट में बता दिया वो, यानी वी हैव टू प्रूव कि अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, आई थिंक 1 बाय रूट 3 है ना, यस इट्स 1 बाय रूट 3. ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, ये अपने को प्रूव करना है, बात की बात है, अपने को इससे कोई लेना नहीं है. एल इज गिवन, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को यहां से. वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 1 बाय 3, अगर कोन के वॉल्यूम की बात करें तो. ठीक है, अब आपको कुछ भी करके इस एल का इस्तेमाल यहां पे करना है. अगर एल का इस्तेमाल आपको करना है तो आपके पास ये दो चीजें हटाने के लिए, तो आपको सबको पता है यार, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते सीधी सीधी क्या आएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहां डाल दी ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय थ्री पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1 बाय थ्री पाई एच का क्यूब. ठीक है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच कर दो, क्योंकि एल तो इसके में है ही, 1 बाय थ्री पाई एल स्क्वायर माइनस 1 बाय थ्री पाई थ्री एच स्क्वायर, ये कैंसिल, जीरो के बराबर डालो, पाई एच स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 बाय थ्री पाई एल स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई गया मेरा, एच बराबर एल बाय रूट थ्री. ठीक है, बट अगर आपका यहां पे प्रूव नहीं हो रहा तो लिंक में डाल देंगे, लिंक में प्रूव हो जाएगा. लिंक आपका बड़ा सिंपल था ये वाला, देखा कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं अब. तो आर स्क्वायर बराबर एल एच की वैल्यू, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बाय थ्री, आप एलसीएम लेके माइनस करिए सर, टू एल स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा. ओहो सर ये तो यहां पे भी प्रूव नहीं हुआ, ये तो बेकार कर गया क्वेश्चन. तो क्या हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी घबराओ मत, आप वापस ट्रायंगल बना लो जो आपको चाहिए था. दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर एल, दिस इज योर आर, दिस इज योर एच. अपने को निकालने का क्या है, कॉस अल्फा. अब मेरी इस बात सुन लो जरा ध्यान से, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था भैया, कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता था बेस बाय हाइपोटेनियस, तो एच बाय एल बोल सकता था. ठीक है, तो एच बाय एल की वैल्यू, एच की वैल्यू देखो कितनी, एल बाय रूट थ्री,
ठीक है, अपॉन एल, ये कट गया, आंसर आ गया 1/√3। तो कॉस अल्फा अगर 1/√3 है, दिख नहीं रहा, ये देखो जादुई ताकतों से दिख जाएगा तुम्हारे पास, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 हो गया। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, जो मैं बोलने वाला हूं यार, एक बात सुनो सिर्फ, ये मेरा अल्फा आ गया कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया अल्फा, समझने वाली बात है, सिर्फ समझने वाली, और कुछ नहीं है। अगर मैंने अल्फा कॉस इनवर्स 1/√3 निकाल दिया, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पे अगर आप इसको डिवाइड में ले जाते तब भी हो जाता, यार मैं मानता हूं, बट कुछ बच्चे अभी वीक हैं जिनका टारगेट वही रहेगा जो मैं समझा रहा हूं कि सर लिंक में प्रूफ पुट करना है फिर उसके बाद आगे करना है, ठीक है ना, तो घबराओ मत। जो बच्चों ने यहां पे एच बाय एल करके करा उनका भी गलत नहीं है और मेरा भी गलत नहीं है, बस मैं वीक स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूं क्योंकि अच्छे बच्चे तो बेचारे कर लेते हैं लेकिन उनका सारा कौन है जो बेचारे वीक है, अच्छे तो कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं पूरा साल, ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। वीक स्टूडेंट वीक इसलिए होता है क्योंकि उसको मेहनत करने का तरीका पता नहीं होता, वो हार्ड वर्क करता रहता है, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता, बस डिफरेंस इतना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर एनडीए के कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, एनडीए का हमारा लाइव सेशन आ रहा है, लाइव क्लासेस आ रही है एनडीए की, 1 मंथ क्रैश कोर्स होगा, कंप्लीट क्रैश कोर्स नहीं है एक्चुअली, सॉरी कंप्लीट कोर्स है जिसमें डेली 3 आवर्स की आपकी क्लास चलेंगी, 2 से 3 घंटे की क्लास चलेंगी, उसके अंदर वो आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, एनडीए का जितना कोर्स होगा वो सारा, ठीक है। तो वो 1 मंथ का होगा आपका अप्रैल एग्जाम के लिए, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड हमारे उसके अंदर पड़े हुए हैं बैचेज में, उसमें ले सकते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट अगर आपको चाहिए हो तो स्टडी खजाना की वेबसाइट पे चले जाना, स्टडी खजाना की वेबसाइट पे जाके कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा वहां से मान लेना, मांग लेना, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर हम लोग फ्री असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज जो है पेपर है वो बांट रहे हैं, ठीक है, बच्चों को, ताकि बच्चे प्रिपेयर कर सकें। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें मुझे, कॉल नहीं, प्लीज सर कॉल नहीं, व्हाट्सएप करें मुझे, ठीक है, और अपना नाम लिखकर भेज दें, मैं उसको ये बता दूंगा कि कैसे करना है, मतलब असाइनमेंट वगैरह बता दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा या डायरेक्टली, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्लास को, आइदर 12th 11th, ठीक है। देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अल्फा वाला हो गया। देखो एक्चुअली मुझे ये वाला क्वेश्चन भी कराना था, ये बहुत आसान है। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत नकली है, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर खाली मैं हिंट दूंगा, आप लोग खुद करेंगे, अगर बाय चांस नहीं होता है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप डाल देना, मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। देन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 2r/√3, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि इंस्क्राइब्ड है स्फीयर के अंदर, यानी गिवन आपका हो जाता है रेडियस r इज गिवन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, ठीक है, ये गिवन है, ये हाइट हो जाती है इसकी स्मॉल h मान लेते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होएगा। सिलेंडर जब भी बनता है ना उसके अंदर स्फीयर के अंदर, तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये स्मॉल r। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और साथ ही साथ इस बार 2 फाइंड है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो स्टार्ट करेंगे आप, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच से, किसी भी तरह लिंक लेकर आओ अपना दिमाग लगा के, वैसे पाइथागोरस से आएगा, ये वाले से खुद करना, नहीं होगा तो फिर मैं बैठा ही हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। एक क्वेश्चन उस वाले पे आते हैं जो जनरली बहुत पेपर में आता है, देखो एक क्वेश्चन है ट्रेपीजियम वाला, ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, उसके अंदर ये साइड 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये देखो ये वाली क्या करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है, बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ये साइड भी 10 हो जाएगी, ठीक है। एक ट्रेपीजियम वाला एग्जांपल है एनसीईआरटी में, वो देख लेना,
ये पाइथागोरस से निकाल लेना, ये x मान लेना, दिस इज योर x, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर x, तो पाइथागोरस से निकल जाएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी वही आएगी। अब आपको ट्रेपीजियम का आई थिंक एरिया का चक्कर होता है, 1 बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये यूज कर सकते हो। फिर से वही बोलूंगा, नहीं होगा तो मैं बैठा हुआ हूं, मुझे व्हाट्सएप डाल देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके रिपोर्ट मामला, मतलब मैं प्रॉपर अपने मेथड से सॉल्यूशन भेजूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो पर्सनली उस जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अंदर ऑडियो मैं भेज दूंगा, आप पहले उस पिक्चर्स को, पिक्चर को अपने पास रख लेना और फिर मैं बताते जाऊंगा पहले स्टेप में ये है, दूसरे स्टेप में ये है, तीसरे में ये है, ऐसे 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 किया है, ठीक है, नहीं आए तो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, एक क्वेश्चन अपना जो मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार आता है, मतलब पेपर में नहीं आया बट टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, बच्चों को हमेशा डाउट रहता है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3, एक सेकंड, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाँ यही क्वेश्चन है, नहीं ये तो ये वाला नहीं, ये वाला है, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, ये जल्दी से समझ में नहीं आता है सबको, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस, ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस शो करना है, जो मिनिमम लेंथ है हाइपोटेनियस की इज ए रेस टू द पावर 2/3 प्लस बी रेस टू द पावर 2/3 टू द होल पावर 3/2, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सिर्फ पावर की वजह से मुश्किल लगता है आप लोगों को, लेकिन एक्चुअल में मैं इसे मुश्किल नहीं मानता, अगर आप तमीज से समझेंगे तो इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, मैंने अपने टाइम पे बता रहा हूं, मेरे को आज भी याद है, देखो सेम एनसीईआरटी थी मेरे टाइम पर भी, सेम एनसीईआरटी आपके टाइम पर भी, बहुत सालों से यही चली हुई आ रही है, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी ना तब की बात आपसे कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन अपने पुराने कॉन्सेप्ट के ब्याप पे करा था ये क्वेश्चन, और लिटरली बता रहा हूं मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा, बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि होगा, बट मैंने पुराने सारे कॉन्सेप्ट का दिमाग लगा के क्वेश्चन को ट्राई किया, एक बारी में सॉल्व हो गया, एक ही बारी में, कटिंग तक नहीं हुई, सिर्फ ये पावर को देखकर आप लोग इस क्वेश्चन को समझते हो कि ये बहुत मुश्किल है, जैसे होता है ना हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और, तो ऐसे ही इधर भी है, रियलिटी है। तो अब मैं इसमें क्या कहूंगा आप लोगों से, बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, ज्यादा पंगे मत लो इसमें, मैं बैठा हूं, मैं कराऊंगा, सबसे पहले पॉज करो और खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, अगर पॉज करते हो और उसके बाद खुद ट्राई करो, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं बैठा हुआ, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो, और अगर जा सकता क्या हुआ, नहीं होगा तो कॉपी का पेज और पेन की इंक ही तो खराब होगी भाई, वो तो हम बचपन से ही करते हो, या जीरो कांटा खेलते हुए और बिंगो शिंगो खेलते हुए कॉपी के पीछे, है ना। चलिए देखिए, उम्मीद कर रहा हूं पॉज करके करा होगा, नहीं करा तो भाई आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। शो दैट पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, ये देखिए एक हाइपोटेनियस के ऊपर पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम साइड्स, देखो साइड से ए और बी की दूरी पर है, आप इसको ए और इसको बी और उल्टा भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा, आंसर सेम आने वाला है। शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी यू हैव टू शो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी मिनिमाइज करना हाइपोटेनियस को किसी भी तरीके से, गिवन आपका हो गया ए और बी, ठीक है। टू प्रूव आपको करना है हाइपोटेनियस की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और होल पावर 3/2 है, ठीक है मेरे भाई, यही करना है। चलो अगर ऐसा करना है तो कर लेंगे ना यार, लड़ने की क्या बात है, अपने को किसी तरीके से हाइपोटेनियस को निकालना है, इसको और इसको विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, क्यों,
क्योंकि मुझे गिवन का इस्तेमाल करना ही करना है मिनिमाइजेशन में। भाई यही सिखाया ना आपको मैंने। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये जो आपका ए इज योर हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ ई, लेकिन मुझे कुछ भी करके सारी तांत्रिक गतिविधियों का इस्तेमाल करके आपको कैसे भी करके भैया ए और बी ये जो दोनों टर्म्स है ये जो दोनों टर्म्स है ये इधर लिखी हुई होनी चाहिए, ये आपकी हेडेक आप कैसे लेकर आए। आगे बात समझ में फंस गए? क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना। इस एंगल को लेट कर लो थीटा अकॉर्डिंग टू दिस, ये भी थीटा। अब मैं बोल सकता हूं ए एफ सॉरी स्मॉल ए अपॉन ए एफ। भाई अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी एफ ट्राइंगल की, ए बी एफ ट्राइंगल जो है ए अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा, सो द वैल्यू ऑफ ए एफ इज इक्वल्स टू ए बाय साइन थीटा। तो मैं ए एफ को लिख रहा हूं ए कॉसेक थीटा, क्यों? वन बाय साइन इज कॉसेक प्लस, ऐसे एफ ई की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा बी अपॉन दिस साइड यानी बी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, सो एफ ई इज इक्वल टू बी बाय सॉरी 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 कॉस थीटा। नहीं दिख रहा है? देखो यस, तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन कॉस थीटा यानी बी सीकेंट थीटा। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आप एक चीज समझना, ए और बी आर द कॉन्स्टेंट, तो आपको वेरिएबल भी एक चीज होता है, मिल रहा है। तो ए कॉसेक का होता है कॉसेक इंटू कॉट, कॉसेक इंटू कॉट प्लस बी सेक इंटू टैन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब इसको जीरो के बराबर डालिए, ठीक है। अब ये देखो जरा आगे क्या होगा, ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। ए बाय साइन थीटा और कॉट का हो जाएगा साइन कॉस बाय साइन थीटा, ठीक है। बी बाय कॉस थीटा इंटू साइन बाय कॉस थीटा, ये हो रहा है ए बाय बी, कंटिन्यू करेंगे ए बाय बी इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो टैन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय बी, टैन क्यूब थीटा मेरा आ जाता है ए बाय बी, सो द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इज ए बाय बी की पावर वन बाय थ्री और ये वन बाय थ्री, ठीक है। दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, क्लियर है चीज, परपेंडिकुलर और बेस। अब आप क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनस निकाल लीजिए, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको हाइपोटेनस को प्रूफ करना है। यहां पे प्रूफ नहीं होगा तो लिंक में प्रूफ कर सकते, लिंक में डाल सकते हो, है ना। तो लिंक में डालने की छोड़ो, लिंक तो हाँ लिंक की कोई दिक्कत है, लिंक में भी डाल सकते हो। हाइपोटेनस आपका आया था ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। अब अगर मेरे पास कॉसेक और सेक बाइसेप की वैल्यू आ जाए, मैं डाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो भैया परपेंडिकुलर मैंने ये मान लिया, बेस मैंने ये मान लिया, मैंने हाइपोटेनस निकाली, मैंने बोला ए की पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर प्लस बी की पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए की पावर 2 बाय 3 प्लस बी की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस निकालूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगी, रूट। रूट बोले तो पावर हाफ। मैं हाफ क्यों लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि पावर ना फ्रैक्शन में ही चल रही है, मतलब 2 बाय 3 3 बाय 2 इस तरीके से, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज ए की पावर 1 बाय 3, ठीक है, प्लस बी। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा की वैल्यू होगी बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस ओए बेस की वैल्यू हां सॉरी हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। बेस की वैल्यू बी की पावर 1 बाय 3, ए की पावर 2 बाय 3, ए की पावर 2 बाय 3 प्लस बी की पावर 2 बाय 3 टू द होल पावर 1 बाय 2 प्लस बी की पावर 2 बाय 3 प्लस ए की पावर 2 बाय 3 प्लस बी की पावर 2 बाय 3
अब क्या करेंगे आप, ये कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले लीजिए, इसकी पावर हाफ है, यस। तो आपने कॉमन ले लिया, ए की पावर 2 बाय 3 प्लस बी की पावर 2 बाय 3 टू द होल पावर हाफ, फिर ए की पावर 2 बाय 3 बचेगा यहां से और प्लस यहां से बचेगा बी की पावर 2 बाय 3, इसकी पावर मैं 1 लिख देता हूं। अब देखो इसमें और इसमें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर 2 बाय 3 प्लस बी की पावर 2 बाय 3 टू द होल पावर 3 बाय 2, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, ठीक है। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को मैं दो तीन क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूं, जो आप करके, मतलब ये सारे टिपिकल मैंने डिस्कस कर लिए, फिर भी एक दो क्वेश्चन बची गए हैं आपके करने वाले, अगर आप उन्हें कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है मैक्सिमम एनिमा में। अगर उनमें दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूं, मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे चुका हूं इसी वीडियो में, व्हाट्सएप डाल देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा विद ऑडियो, ठीक है, सुन लीजिए जरा ध्यान से। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजूंगा, कोई भी स्टूडेंट हो जो हमसे पढ़ता है या नहीं पढ़ता, दैट डजंट मीन, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जाके ऑडियो एंड ऑडियो रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा एंड सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, जैसे ही बच्चा मांगेगा मेरे को तो फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, बच्चे का काम हो जाएगा, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। स्टडी का जाना हमेशा बच्चों के बारे में सोचता है, ठीक है। तो बच्चों एक तो आपको जो क्वेश्चन करना है वो मैं बता देता हूँ होमवर्क में, जिसको आप पढ़ के रखेंगे, एक टैन इनवर्स रूट टू वाला क्वेश्चन है, सेमी वर्टिकल एंगल जो मिसलेनियस में मिल जाएगा आपको, सॉरी 6.5 एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको, वो जरूर करके रखना है, पेपर में जरूर आता है, मतलब आ सकता है, चांसेस मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा बट आ सकता है, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन करके रखना है, एक जो मैंने आपको बताया ये ट्रेपीजियम वाला, एक क्वेश्चन आपको करके रखना है वायर वाला, एक वायर की लेंथ इतनी है, उसको काट दिया दो पीस में, एक सर्कल बनाया, एक से स्क्वायर बनाया, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आप करके रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलता हूं, और देखिए इसका पार्ट टू जरूर देखिएगा, पार्ट टू में हम लिमिट ऑफ अ सम और होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस करेंगे, और पार्ट थ्री में जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम बेस थ्योरम का पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ शुभरात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग। Thank you.